नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, कोई ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी लंबाई है 100 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न वाले ने हमसे पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, कोई व्यक्ति रेलवे लाइन के पास खड़ा है तो जो ट्रेन जा रही है वह कितनी देर में उसको पार कर जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हमें एक कंडीशन याद रखना है कि प्रश्न किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे। ठीक है, तो व्यक्ति की लंबाई मतलब व्यक्ति की जो लंबाई चौड़ाई है या खंभे की जो चौड़ाई है उसको हम नगण्य मान लेते हैं। अगर यही ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे या किसी पुल को पार करे तो हम उसकी लंबाई को ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन जब कंडीशन क्या हो कि कोई व्यक्ति हो या कोई खंभा हो तो हम जो खंभे की लंबाई या ट्रेन व्यक्ति की लंबाई है उसको रेलगाड़ी की लंबाई के साथ नहीं जोड़ते हैं। यह आपको याद रखना है। तो यहां पर हम देखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, और चाल कितनी है, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, तो चाल काय में बन गई, अब मीटर पर सेकंड में बन गई। सॉल्व करेंगे, 0 0 कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, और कुछ कट होगा, 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा, यहाँ 12 3 36 इतना ही कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 100/12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गई चाल। अब जो लंबाई तय करेगी वह क्या कहलाएगी, दूरी। ठीक, हमें निकालना क्या है, कितनी देर में पार करेगी, यानी हमें यहाँ पर समय निकालना है। यहाँ निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी भागे चाल। ठीक है, एक यह सूत्र याद रखिए, यह सूत्र सब जगह काम कर जाता है। अगर चाल निकालना हो तो चाल यहाँ पहुंच जाएगी, समय यहाँ पता चला जाएगा, दूरी निकालना होगा तो चाल गुणा समय हो जाएगा, यानी तीनों चीजें इससे निकल आती हैं। हमें निकालना था समय, तो समय बराबर हमने लिख दिया दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 100 मीटर। चाल कितनी है, चाल है 100/12, तो 12 पहुंच जाएगा ऊपर, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, तो जो ट्रेन है उस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, तो आपको रेलगाड़ी वाले प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करना है। यह कंडीशन याद रखना है कि व्यक्ति हो या खंभा हो तो उसकी लंबाई उसमें नहीं जुड़ेगी। अगर कोई पुल हो या प्लेटफॉर्म हो तो जो प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई है उसको हम ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ेंगे, जब ही हमारा क्या निकलेगा, ट्रेन की लंबाई या दूरी निकलेगी। अब इसमें दो कंडीशन होती है। ठीक है, कि अगर ट्रेन सामने सामने से आए या ट्रेन दो ट्रेन जाए एक ही डायरेक्शन में जाए। जब ट्रेन सामने सामने से आए तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, चाल के मामले में है, आपको याद रखना है। और अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी तो इनकी चाल बड़ी चाल में से छोटी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक कंडीशन और आपको याद रखना है चाल के मामले में। ठीक है, दूरी के मामले में तो हमने वो बता दिया, अगर चाल की बात आ जाए तो चाल के मामले में आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।